हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? अच्छा ही रहना चाहिए। आदि पुरुष किस तरीके से एडवांस बुकिंग चल रही है और उसका डे थ्री का जो एडवांस बुकिंग है किस तरीके का जा रहा है, क्योंकि मूवी को रिलीज़ होने के लिए सिर्फ अब 1.5 से 2 दिन ही बचे हैं। तो डे थ्री का जो कलेक्शन है 6200 स्क्रीन्स के अंदर जो रिलीज़ हुई है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे, और मैं एक और वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसका ओवरसीज़ कलेक्शन भी चल रहा है, ताकि आपको एक ओवरऑल बेसिस पे एक आइडिया आ पाए। ओवरसीज़ कलेक्शन के लिए काफ़ी कुछ जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाके पता चलता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है। बात करें तेलुगु वर्जन की, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, क्योंकि प्रभास वहाँ पर काफ़ी बड़े स्टार हैं। तो उसका जो 3D वर्जन है, कल तक जो था 65 लाख की बुकिंग हुई थी, 21,000 टिकट्स बिकी थी 274 रुपीज़ के हिसाब से, अब हो चुका है 1.1 करोड़ रुपीज़। तो अचानक से ऑलमोस्ट डबल की जंप आई है, 37,000 टिकट्स बिक चुकी हैं एट द रेट ऑफ 226 रुपीज़। तो बहुत ही इकोनॉमिकल है 3D वर्जन, अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। वहीं पर 2D वर्जन की 3 लाख रुपए की बुकिंग होगी। 2D भी अब खुल गया है, कल से ज़्यादा खुल जाएगा, एक दिन पहले ही खुलता है जनरली, और 1400 टिकटें बिकी हैं सिर्फ 156 रुपीज़ के ऊपर। तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पिकअप पकड़ चुका है ये। वहीं अगर हम तमिल मार्केट की बात करें, तो आपका जो 2D वर्जन है या फिर 3D वर्जन है उसके अगर कंबाइंड वर्जन की बात करें, तो सिर्फ 25,000 रुपये की कल तक टिकट बिकी थी, 160 टिकटें बिकी थी, और 157 का एक एवरेज प्राइस निकल के आया था। यहाँ पर अब देखें तो थोड़ा सा इंक्रीज़ आया है, 1 लाख रुपये की टिकटें बिकी हैं और 600 ही टिकटें टोटल ओवरऑल बेसिस पर बिकी हैं 140 रुपये के हिसाब से। अगर हम ये टोटल मिला के अगर ये चीज़ देखें, तो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं तमिल मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा इस मूवी के लिए इतना रुझान नहीं है। वहीं पर मलयालम की तरफ अगर रुख करें, तो 2D और 3D वर्जन जो कंबाइंड वर्जन है वो है लगभग 13,000 रुपये, 180 टिकटें बिकी थी 156 रुपीज़ के हिसाब से। अब जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से इसमें मोमेंटम आया है, 2.5 लाख रुपये की टिकटें यहाँ पर बिक गई हैं, 1100 टिकटें बिकी 172 रुपीज़ के हिसाब से। तो अच्छा है, यहाँ पर मलयालम पिकअप हो गया, तमिल जो है वो पीछे रह गया, तेलुगु थोड़ा सा पिकअप हो गया। बात करते हैं हिंदी की 3D वर्जन की, 3.5 करोड़ रुपए की अभी तक बुकिंग हो चुकी है, 1.1 लाख टिकटें बिक चुकी हैं, और 3D वर्जन का जो रेट है वो सिर्फ 261 रुपीज़ है। 2D वर्जन का जो रेट है वो है करीबन 179 रुपीज़। 50 लाख रुपए की टिकटें वहाँ हिंदी वर्जन में भी बिक चुकी हैं, 20,000 टिकटें लगभग बिकी हैं। तो मज़ेदार तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, करीबन 5.15 करोड़ रुपीज़ का ग्रॉस हो चुका है सिर्फ इंडिया के अंदर। तो ये जो नंबर है मेरे ख्याल से जो है 15 से 20 टच करना चाहिए, तभी आप एक बड़ा नंबर देखेंगे। लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी स्टार्ट है, जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है, कल रात में और अब में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, और आज बहुत ज़्यादा पिकअप होगी कि हर एक तरीके की टिकट के जो ब्रैकेट्स हैं, चाहे वो आगे की टिकट्स हों, पीछे की टिकट्स हों, 2D हो, 3D हो, हर जगह पे फुली खुल गया है। तो आज से जो बुकिंग है वो और ज़्यादा रॉकेट पकड़ना चाहिए। आपको ये लगता है क्या ये एडवांस बुकिंग जो है वो पठान का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी? वो सवाल का जवाब आप दीजिए कॉमेंट बॉक्स में। बाय बाय।